नहीं नहीं उसको कदा पीछे तक ही छोड़ना पीछे तक ही छोड़ना ये है ये इनका बुरा हाल है ये मेरा नाम मोहम्मद सलीम है मैं रजौरी का रहने वाला वार्ड नंबर 9 का तो मेरे को कोई सहूलत नहीं है कोई कुछ नहीं है मेरा एक्सीडेंट हो गया था मेरे को 3 साल हो गए हैं तो मेरे को बेड सोल भी बहुत ज़्यादा है मेरी कमर में सर कमर मेरी फ्रैक्चर है जी कमर मेरी फ्रैक्चर है सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मेरे को तो अब 3 साल हो गए हैं पेंशन भी नहीं लगी ये रवि बाबू जी आए ये मेरे को थोड़ी सी इन्होंने हेल्प की मेरे थोड़ी बहुत ही हेल्प की है तो कल परसों आए थे वो भाई साहब हमारे तो उन्होंने कागज़ मांगे थे कि क्या दो पर कागज़ तो हम पेंशन आपकी लगा दें तो अब क्या डिमांड है आपकी और क्या घर का सर्कल कैसे चल रहा है आपका अब घर का सर्कल ये है सर बच्चे भी छोटे छोटे हैं एक बच्चा बड़ा वो उसकी बाजू दोनों टूटी हुई हैं तो वो थोड़ा सा कहीं आगे पीछे कहीं मेहनत मजदूरी करता है तो मेरा थोड़ा घर का सर्कल चलता है बस सरकार से ये चाहता हूँ मैं हेल्प चाहता हूँ तो ये मैं व्हील चेयर के लिए भी मैं उनको बोला था कि मेरे को व्हील चेयर दूसरी दो तो मैं स्कूटरी भी है मैंने कागज़ स्कूटरी के भी मैंने उनको दिए तो ना मेरे को स्कूटरी मिली तो ना ही तक कुछ मिला सर ये अपना घर वाला है तो एक्सीडेंट हो गया कोई सहारा नहीं है मेरे पास तो चलो मदद चाहिए तो घर का सर्कल कैसे चलता है घर का सर्कल ऐसे ही चलता है कि कोई मदद करता है कोई मदद करता है अपने जैसे भाई हैं ऐसे कर देते हैं मदद तो सरकार की तरफ से कोई कोई कख नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ कितने आपके कितने बच्चे कितने हैं बच्चे 5 बच्चे 3 बच्चे देख के ये दुख देख मतलब दुख ये देख के ना तो मेरा दिल रोना शुरू कर देता है कि ये बंदे कैसे दर्द से गुजर रहे हैं एक एनजीओ होते हैं हमारे इधर सिर्फ खाने के लिए हैं सिर्फ गवर्नमेंट फंड्स लेने के लिए हैं क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता खाली एनजीओ क्या होता है लोगों की मदद के लिए होती है एनजीओ कोई किसी की मदद नहीं करता कोई मदद नहीं कर रहे हैं ठीक है इस लॉकडाउन के दौरान तो अच्छा भला इंसान वो भी ख़त्म हो रहा है ये तो बेचारे फिर भी 3 साल हो रहे हैं 3 साल से ये व्हील चेयर पर है इस वक्त आप इनके बेड सोल देखें ना आप मतलब देख नहीं सकते इतना दिल नहीं जिगरा नहीं कर सकते कि वो बेड सोल देख सको